माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। टुडे आई हैव दिस वीडियो फॉर वर्गो ज़ोडिक साइन, जिनकी कन्या राशि है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय कैसा जाएगा इनका, और क्या मैसेज है वर्गो जिनका ज़ोडिक साइन है मेरे आसपास, जो कि डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज है। प्लीज़ मुझे बताएं कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, और कैसा इनका लव मेट के साथ रिलेशनशिप रहेगा। मैं आखिरी में ज़रूर देखती हूँ, और इसमें क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से 15 डेज के लिए। फर्स्ट कार्ड जो है ये शो कर रहा है, मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है दैट यू विल बी फील वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने काम करने में, आपको अपने पिता से बहुत जो है सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई ऐसा मेल है जो आपको सपोर्ट करता, आपके बॉस हो, कोई आपका भाई हो, कज़न ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो रहेगा, और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो सकता है आप आए, एडवाइस लें तो बहुत अच्छा है। तो ये अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, कि अगर आपके मन में आ रहा हो कि मुझे एडवाइस लेना है अपने बॉस से या अपने फादर से या किसी को भी, आप पिता समान किसी व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं कि इंक्लूड करना चाहते हैं लाइफ में अपने, बिल्कुल करिए, उनसे सलाह लीजिए। फादर इन लॉ हो, कोई भी हो, आप अगर आप घर में एक स्त्री हैं, घर में काम करने वाली एक हैं, तो अगर आप कहीं नौकरी नहीं करती हैं तो भी ये आपके लिए डिसीजन पावर जो है, इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट आप रहेंगी। आप जो हैं, आपको अपने हस्बैंड से बहुत सपोर्ट रहेगा। अगर आपके घर में फादर इन लॉ हैं, आपके पिता हैं, तो उनसे संपर्क में हो सकता है आप आ सकती हैं। आप उनको इंक्लूड करिए, और उनको जो है यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि उनसे सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि सेकंड कार्ड भी अगेन ये शो कर रहा है कि आप इस वक्त बहुत ही इंटेलिजेंट, अपनी इंटेलिजेंसी को शो करेंगे। और जो लोग स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि सरकारी नौकरी के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हुए हैं या जो अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी यहाँ पे नौकरी जो है यहाँ शो कर रहा है कि सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन आपको किसी पिता समान व्यक्ति से आशीर्वाद लेने की बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा जगह नहीं है तो आप सूर्य को जल जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ एक मैं भी एक यहाँ मैं कहूँगी जिसका मैसेज है जो कि यहाँ शो कर रहा है, किसी बुजुर्ग इंसान के संपर्क में आइए, डिसीजन लीजिए कैसे तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, या घर को कैसे मैनेज करना है। जो भी हो, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, अपने बॉस अगर आप बहुत मानते हैं, अपने बॉस को अच्छा एक संबंध है बॉस और आपके बीच में, तो इट शोज दैट इफ यू, इट विल गिव यू द सक्सेस इन योर लाइफ। तो आपके पास हो सकता है, यहाँ ये शो कर रहा है, कई लोग हो सकता है एडवाइस के लिए आए, हो सकता है लोगों को जैसे होता है ना, लगता है ना कि हाँ ये एक जाना पहचाना एक व्यक्ति है जो कि सब कुछ अच्छे से जानता है, नॉलेजेबल है, कम्युनिकेशन स्किल जिसका बहुत अच्छा है, ये चीज़ यहाँ शो कर रहा है। इस तरह की चीज़ जो है देखने को आपके ऑफिस में या नेबरहुड में कहीं पर भी देखने को आपको मिल जाएगी, कि लोग आपकी तारीफ बहुत करेंगे, आपको प्रशंसा बहुत करेंगे, ये चीज़ है, और आप चीज़ों को विन करेंगे। थर्ड कार्ड जो है शो कर रहा है दैट मीन्स दैट यू विल विन एंड यू विल गेट द विक्ट्री ओवर योर वर्क। यहाँ कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, आपके दिन बहुत अच्छा है, आपके 15 दिन बहुत अच्छे जाएंगे मुझे लगता है। ऐसा कोई खास नेगेटिव कार्ड नहीं, क्योंकि नहीं आया हुआ है, सब एडवाइजेज हैं खाली एंजल्स की तरफ से कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऐसा होगा आपके साथ। तो चांस को अपने लाइफ में, जो भी ये चांस मिल रही है ना आपको, उसको गवाइएगा नहीं। मतलब ये हुआ कि पिता समान किसी व्यक्ति से एडवाइस लीजिए, एक अच्छी सलाह वो देगा, और आप एक इंटेलिजेंसी अगर आपको कहीं अपनी अपनानी है तो उसको अपनाइए, चाहे पढ़ाई में, चाहे अपने घर को मैनेज करने में, चाहे अप्लाई करने में नौकरी के लिए, कहीं पर भी आपकी जो बुद्धिमत्ता है ना, मेधावी, अगर आप कहें, अगर जो लोग इंटेलिजेंसी मतलब यही मतलब होता है, जो मेधावी छात्र रहे होंगे अपने समय में, वो लोग का समय है इस वक्त, अपना गुड, अपना जो जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ों को आप विन करेंगे, विक्ट्री पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है, इस वक्त आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं मैं दूर जाके अपना काम करूँ, एक नई दुनिया बसाऊँ, या घर पे ही अगर आप हैं तो आपको लगेगा कि मैं एक अलग जगह, शांत जगह बैठ कर के पढ़ाई करूँ, या मुझको जो है एक शांत जगह, यहाँ कहीं ऐसा मैं कहीं घूमने चला जाऊँ। आपका मन हो सकता है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपका मन होगा कि मैं चलो कहीं और बाहर कहीं चलते हैं, एक अच्छे शांत जगह पे जहाँ थोड़ा सा चेंज हो,
जहाँ आपको लगेगा कि हो सकता है कई लोग कपल्स सोचते हैं ना कि मैं नया मकान ले लूँ या रेंट पे ले लूँ, तो इस तरीके से एक अच्छे और शांत जगह पे हो सकता है कि आपका बहुत मन करेगा कि आप जाएं। जस्टिस करिएगा अपने साथ, आप इस वक्त बहुत ही न्यायप्रिय रहेंगे, औरों के साथ भी जस्टिस होने देंगे और अपने साथ भी जस्टिस होने देंगे। इस वक्त ये कार्ड ये भी कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव चीज़ों को मत इंक्लूड करिएगा अपनी लाइफ में। चीज़ों को प्लान करिएगा, जैसे एक प्रिंस होता है ना, रिच और प्रॉस्पेरस होता है, अपने जो पर्सनल चीज़ें होती हैं और जो अपना जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती हैं उसको प्लान करता है, सेविंग्स करता है, फ्यूचर के लिए जो है चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये चीज़ प्लानिंग मैनेज करना, ये सब चीज़ें बहुत रहेंगी आपके लाइफ में, करिए, अच्छी चीज़ है। और मैं आपका लव मेट के साथ ज़रूर देखती हूँ, लव मेट कोई भी हो सकता है जिसके आप सबसे करीब हों, अपनी बातें शेयर करते हों। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इस वक्त आप एक लॉयन की तरह जो है अपने रिश्ते को, पूरे पूरे रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना कि एक लॉयन होता है, उसका क्या नेचर होता है, गंभीर रहता है ज़्यादा जो है, और जब समय आता है तब जो है वो कुछ बोलता है, तब वो कुछ अटैक करता है, रिस्पॉन्स करता है। यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है अपने रिश्ते में भी, जहाँ देखिएगा ज़रूरत कहाँ है वहाँ बोलिएगा, ये नहीं कि कहीं भी रिएक्ट कर दिया। हालांकि आप चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, आप अपने रिश्ते को जीतना चाहेंगे, जैसे होता है ना कि ये मेरा है तो ये किसी और को मैं नहीं दूंगा, ये चीज़ है इस वक्त, यही चीज़ आपके में रिश्ते में दिखा रहा है कि अगर ये मेरी है तो ये मेरी ही रहेगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो जिस किसी के साथ भी आप रह रहे हैं अपने घर में, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते होंगे, तो ये यहाँ शो कर रहा है कि आप अपने लवली के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, अपनी माँ के साथ ही, बहन के साथ भी, कि अपने माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने सिस्टर को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आपको लगेगा कि ये मेरे हक में है, ये मैं इसके ऊपर जो हूँ वो हक रखता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसकी चीज़ों को संभालूँ, या जो भी आपके में एक लॉयन वाली गंभीरता वाली एक यहाँ पे शो कर रहा है, जो बहुत अच्छा है। एंजल्स का यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी दिखा रहा है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जरूर सुनना चाहिए, शांत मन होकर के, कूल और काम रह के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुनेंगे, क्या गलत है क्या सही है, रिश्ते को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, ये एक अंतरात्मा की आवाज़ को जरूर सुनिएगा। और नेक्स्ट है लाइट, दैट मीन्स कुछ अच्छी वाइब्स, लव की वाइब्स, या जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपको इस वक्त, ऑरा बहुत अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप में। अगर मैं बात करूं तो एंजल से आपसे ब्लेसिंग्स हैं कि आपको लव और रिस्पेक्ट अपने लव मेट से मिलेगा और आप भी दीजिएगा, ये चीज़ यहाँ ही शो कर रहा है। तो एक आप देखेंगे एक नई ऊर्जा का संचार होगा, न्यू लाइट विल बी ओरिजिनेट इन योर रिलेशनशिप। एंड द लास्ट कार्ड शोज दैट इन योर रिलेशनशिप द रोल ऑफ योर सिस्टर इज सिस्टर, और जो कोई भी आप किसी को भी बहन, आप कजिन ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं रियली हो, कोई भी ऐसी ऐसा जना जिसको आप चाहते हो कि वो रिश्ते में आके हम दोनों में, हमारे और लव मेट के बीच में आए, और उससे मेरे रिश्ते और अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी जो इस तरह के जो बहन होती हैं वो, उनसे कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी, एनर्जीज भी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स होती है। बच्चों में बुआ का बहुत अच्छा एक आशीर्वाद रहता है एस्ट्रोलॉजिकली, ये सब चीज़ें यहाँ शो कर रहा है। बिल्कुल बुलाइए, डिनर पे बुलाइए, खाने बुलाइए, या जैसे भी अपनी बहन को बुलाइए। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी बहन को अपने अपने लव मेट के बीच में जो है एक रिश्ता अच्छा बनाने के लिए इनको इंक्लूड करिए, यहाँ ये शो कर रहा है। वही इंक्लूड करिएगा उसी व्यक्ति को जो कि आपको समझता हो, जो आपके रिश्तों को समझता हो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है, ये शो करता है कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव लोगों को ही इंक्लूड करेगा अपने आसपास। हालांकि यहाँ पे कार्ड्स अच्छे आए हैं रिलेशनशिप को लेकर के, एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जरूर सुनिएगा कि वो क्या कह रही है, अंदर की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, कभी कभी इंडिकेशन बहुत अच्छा मिलता है। अगर शांत और मेडिटेशन जो लोग करते रहते हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स होती हैं बहुत अच्छे से पता चलती हैं, क्या चीज़ ख़राब है क्या चीज़ गड़बड़ होने वाली, तो पहले से ही हमने प्रिकॉशन ले लिया, ये चीज़ है। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।